हाय एवरीवन, गेट बी बीईटी की अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो आपके सामने वो अनाउंस कर दिए गए हैं। बीईटी 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर हम रिज़ल्ट का थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करें तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, एग्जैक्ट वो कट ऑफ गई है आपके सामने। उस वक्त आप लोग बोल रहे थे नहीं मैम, इतना भी ईजी पेपर नहीं था कि इतना हाई चले जाए कट ऑफ। बट सी द पॉइंट इज़ कि मैं आप लोगों को पिछले कई सालों से पढ़ा रही हूँ। आपके लिए शायद ही आपका पहला पेपर होगा, बट हमारे लिए हम कई बार ऐसे देख चुके हैं, ठीक है। सो आई नो कि वेन द पेपर इज़ ईजी, वेन द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट। और आप देखेंगे एग्जैक्ट नंबर, मैंने आपको 220 प्लस माइनस 5 मार्क्स बताए थे कट ऑफ के, और 221 इज़ द लास्ट क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ओके, 13th मई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम था। यहाँ पर दो कैटेगरी में मेरिट लिस्ट बनी है, ठीक है। मतलब अगर आप कैटेगरी 2 की भी बात करोगे ना, तो वहाँ पे भी 215 नंबर है। तो 221 नंबर फॉर कैटेगरी 1 और 215 नंबर फॉर कैटेगरी 2 इज़ दी फाइनल कट ऑफ। और अगर हम थोड़ा थोड़ा मतलब बाकी रिजर्व कैटेगरीज में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा नंबर आप उस हिसाब से कम करते जाते हो, है ना। यू ऑल नो दैट जो लोग भी कैटेगरी 1 में शॉर्टलिस्ट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं टू अवेल फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया वेयर द कैंडिडेट रजिस्टर्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अंडर कैटेगरी 2 विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स विद फेलोशिप इक्विवेलेंट टू नेट गेट एप्लीकेशन एज पर करेंट डीएसटी गाइडलाइंस एंड और एनरोल इन पीएचडी प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सिलेक्शन थ्रू इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन प्रोसेस। 2 में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि आपको फेलोशिप मिलेगा ही फ्रॉम डीबीटी जीआरएफ प्रोग्राम, बट 1 में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो मिलेगा 100%, ठीक है। 2nd में फिर जो भी इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे गाइडलाइंस रहती हैं, जो भी रहता है उस हिसाब से आप देखते हैं चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड आर एलिजिबल फॉर इशुएंस ऑफ अवार्ड लेटर विद इन 1 ईयर ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं अवार्ड लेटर के बारे में, इशू के बारे में, इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस लेट मी नो, मैं बना दूंगी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको दे दी गई है, मेक श्योर आप देख लें इसको एक बार। एंड ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू हु हैव क्वालिफाइड। मेक श्योर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दें कि कौन है इस लिस्ट में, किस किस का नाम प्रेजेंट है। एंड लाइक अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज़ क्वालिफाइड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बड़ी बात है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई है, ठीक है। तो बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो को, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।